अच्छी आपके साथ, दिल्ली के ऑटो चालकों के साथ कैसे अत्याचार कर रहे हैं ऑटो माफिया, यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है। उसके बावजूद दिल्ली के परिवहन आयुक्त, परिवहन मंत्री अपनी आंखें और कान बंद करके बैठे हैं। दिल्ली में वाहन को फाइनेंस करने वाले बैंकों, एनबीसी कंपनियों को ऑनलाइन पोर्टल में जोड़ने के लिए परिवहन आयुक्त ने अपनी पूरी ताकत का प्रयोग किया था और उस समय ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एवं लेबर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा परिवहन आयुक्त को वाहन मालिकों को ऑटो माफिया की मार से बचाने के लिए राय दी थी कि जो भी वाहन फाइनेंस कंपनी वाहन पर अपनी एसपी ऐड करवाता है उससे उसके द्वारा दी जाने वाली लोन पेमेंट का डिटेल एक महीने के अंदर परिवहन विभाग को बताना अनिवार्य करना चाहिए और जो लोन पेमेंट डिटेल परिवहन विभाग को प्रस्तुत नहीं करे उसकी एचपी बिना अन्य सूचना के हटा दी जाए, जिससे कोई भी वाहन मालिक के साथ धोखा नहीं कर पाएगा और वाहन मालिक ऑटो माफिया से मुक्त हो जाएंगे। परिवहन आयुक्त ने टोलवा द्वारा दी गई राय को दरकिनार कर दिया और उसका कारण है दिल्ली में ऑटो माफियाओं का वाहन मालिकों पर अत्याचार करना। दिल्ली ऑटो चालकों ने अब FIR करवा कर अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की गुहार लगाई है। अगर समय रहते परिवहन आयुक्त कदम उठा देते तो दिल्ली के वाहन मालिकों के साथ ऑटो माफिया ऐसा नहीं कर पाते। इस वीडियो में इतना ही। ट्रांसपोर्ट से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए NTV न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष।